बिहार में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए एक नया फरमान सुनाया, जिसके मुताबिक दुर्गा पूजा की छुट्टियों में भी शिक्षक प्रशिक्षण लेंगे। वहीं इसको लेकर शिक्षक संघ आक्रोशित है और इस फैसले को वापस लेने की मांग सरकार से कर रही है। शिक्षा विभाग के आदेश पर प्रारंभिक शिक्षक संघ के संयोजक राजू सिंह ने विभाग से मांग करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान लिए जाने वाले प्रशिक्षण को अभिलंब स्थगित कीजिए। हमको प्रशिक्षण लेने से कोई समस्या नहीं है, यह प्रशिक्षण दुर्गा पूजा के बाद भी लिया जा सकता है। अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो बाध्य होकर हमारा संगठन आंदोलन करेगा। कल 16 अक्टूबर को उपवास पर रहकर सभी शिक्षक प्रशिक्षण लेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं समझती है तो 48 घंटे के बाद में प्रशिक्षण का सामूहिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा। नवरात्र के दौरान 16 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण के आयोजन से शिक्षकों में आक्रोश और संशय व्यक्त है। शिक्षक सोच रहे हैं कि कैसे वो इस दरमियान ट्रेनिंग लेंगे, उनके खाने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, कारण कि इस दौरान शिक्षक सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, लहसुन प्याज वर्जित करते हैं, विशेष सात्विकता का ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ माता दुर्गा का पूजा अर्चना करते हैं। इनके पूजा पाठ के लिए प्रशिक्षण संस्थान के अंदर में क्या व्यवस्था की गई है, इससे भी विभाग को अवगत कराना चाहिए। हम विभाग से मांग करते हैं कि आप अविलंब नवरात्र के दौरान लिए जाने वाले प्रशिक्षण को स्थगित कीजिए। हमको प्रशिक्षण लेने से समस्या नहीं है, यह प्रशिक्षण दुर्गा पूजा के बाद भी लिया जा सकता है। हम विभाग से मांग करते हैं कि आप अविलंब इस आदेश को निरस्त कीजिए, अन्यथा बाध्य होकर के हमारा संगठन आंदोलन करेगा। इसी कड़ी में कल 16 अक्टूबर को बिहार के तमाम प्रशिक्षण संस्थान के अंदर में जो प्रशिक्षणार्थी हमारे शिक्षक बंधु हैं, उन्होंने फैसला किया है कि कल एक दिवसीय उपवास करके इस सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे। इसके बाद भी अगर यह सरकार नहीं संभलती है तो 48 घंटे के बाद में इस प्रशिक्षण का सामूहिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा।